नमस्कार, एग्री कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 27 सितंबर। सबसे पहले वेबिनार के अंदर 2 अक्टूबर को एथनिक ग्रुप ने गवार डे सेलिब्रेशन पे एक वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए बाजू में दिए हुए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, साथ में मीटिंग आईडी आप नोट कर सकते हैं और इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। यहाँ पे हम गवार के टेक्निकल, फंडामेंटल और मिरर्स की क्या ओवरव्यू है और इस बार क्रॉप का एस्टिमेट क्या रहेगा, ये सब की जानकारी आपको मिलेगी। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी वॉलिटिलिटी थी। एक तरफ हमने देखा कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी, जहाँ पे हमने सोयाबीन में 6% की गिरावट, मस्टर्ड फ्लैटिस था, जबकि कैस्टर में 1.5% की गिरावट थी। CPO और रिफाइंड ऑयल लोअर लेवल से रिकवर करते हुए दिखाई दी। मसालों के अंदर हमने गिरावट आते हुए दिखी, गवार गम में भी लोअर लेवल से वापस लेवाली आते हुए दिखाई दी। मेंथा फ्लैटी स्टोन के साथ बंद हुआ, जबकि कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दी, जहाँ पे हमने 3.5% 2% की तेजी हमने बनते हुए दिखी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो सोयाबीन में वैसे तो वीकली बेस पे टेक्निकल सेलिंग बनी हुई है, बट एक रेंज आप पकड़ के चलिए, जब तक प्राइजेस 6000 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट एक दायरे में रहेगी। तो अक्टूबर वायदे में एक रेंज पकड़ के चलिए, 5700 से लेके 6200 का रेंज सोयाबीन में। मस्टर्ड में लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बाइंग की जा सकती है, ऊपर में 8850 तक का ओवरऑल टारगेट दिखाई दे रहा है। कैस्टर में भी अभी भी लोअर लेवल से बाइंग है। मस्टर्ड के बाद अगर CPO रिफाइंड सोया है, नो डाउट यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट जरूर है, बट लोअर लेवल से बाइंग काफ़ी प्रबल है जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। मसालों के अंदर हल्दी को छोड़ के जीरा और धनिया काफ़ी शानदार और साउंड लग रहा है, जो इंपॉर्टेंट है। गवार सीड गवार गम में शॉर्ट कवरिंग है, जिसके चलते आज तेजी रहेगी। कॉटन कॉम्प्लेक्स में कोई भी कमोडिटी लेके चलिए, जबरदस्त तेजी आने की उम्मीद है। आज के सेशन की बात की जाए तो सोयाबीन लॉन्ग लिक्विडेशन की वजह से गिरावट थी, बट इंटरनेशनल मार्केट आज देखे तो काफ़ी शानदार रिकवरी दिखा रहा है, जिसके चलते आज 6000-6080 तक के लेवल हम सोयाबीन में देख पाएंगे। रिफाइंड सोया में हमने गिरावट जरूर देखी, बट 1300 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है, तो 1312 के ऊपर बाय कीजिए। 1320-1324 तक का टारगेट हम रिफाइंड सोया ऑयल में देख पाएंगे। पिछले हफ्ते की शुक्रवार की गिरावट के चलते मस्टर्ड 8500 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाया है, टेक्निकली अच्छा सपोर्ट है, लेके चलिए 8850 का ओवरऑल अगले 2 सेशन में टारगेट दिख जाएगा। कैस्टर में इस बार फंडामेंटल काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है कि जब तक प्राइजेस 6400-6450 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट एक दायरे में रहेंगे। तो 6000-6400 का एक ब्रॉडर रेंज है, कोई बड़ी पोजिशन एज ऑफ नाउ मत बनाइए। मसालों के अंदर हल्दी 7500 के ऊपर ही तेजी है, अदरवाइज 7000-7500 के बीच में रहेगी। जीरे को लेकर चलिए 14800 का ओवरऑल टारगेट ये हफ्ते का। धनिया को लेकर चलिए 8000 का इमीडिएट हर्डल रहेगा, 8000 के टारगेट के लिए धनिया लेके चलिए। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें, 2525 का हमने लास्ट वीक भी 2-3 बार रिपीट किया था, बट ये लेवल टूटता है तो 2640-2680 तक का लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। कपास में भी बाइंग है 1480 के टारगेट के लिए। गवार सीड गवार गम दोनों में ही आज इंट्राडे के हिसाब से बाय करके चलिए, काउंटर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मेंथा कहीं ना कहीं बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, 940 के ऊपर 956 का टारगेट रहेगा। कॉटन सीड ऑयल केक के बाद अगर हम CPO की बात करें तो यहाँ पे भी हमने 1112 का लेवल काफ़ी स्ट्रांग है, इसके ऊपर क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रांग दिखा रहा है, जो 1130 के टारगेट के लिए लेके चलिए। कॉटन में बड़ी तेजी है, जो हम लोग ओवरऑल इंटरनेशनल में 1.15 का टारगेट कर रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक में 28,000-29,000 का भी लेवल दिखा देगा, इसमें भी बाय करके चलना चाहिए। चार्टिकली धनिया बाय कीजिए 8100 के टारगेट के लिए। कैस्टर रेंज बाउंड रहेगा, वेट कीजिए, 6400 का लेवल तोड़ने पे ही बाय कीजिए। गवार सीड गवार गम लेके चलिए 10,200 के टारगेट के लिए गवार गम, और रिफाइंड सोया ऑयल में सपोर्ट है 1315 के ऊपर बाय कीजिए 1330 के टारगेट के लिए। आज पिक ऑफ द डे की बात करें तो कॉटन कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त बाइंग रहेगी, मसालों में जीरा धनिया में बाइंग रहेगी, इनमें बाइंग करके चलिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम अब तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।